बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरे पास PTCL का राउटर है, इसका मॉडल आप चेक कर लें। डी लिंक का ये राउटर है और इसका मॉडल है जी DSL 2750U। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मॉडल है तो आप उसके अंदर डी लिंक का भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, टेंडा का भी कर सकते हैं और जेन्युइन PTCL का भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आज फ़िलहाल इसका जो जेन्युइन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर के अंदर, वो होता है डी लिंक का सॉफ्टवेयर होता है। और उसके बाद कंपनी क्या करती है, भी जब कंपनी ये राउटर खरीदती है तो वहाँ पर ये देखें, ये PTCL वालों ने अपनी मोहर लगाई होती है, लोगो बना होता PTCL का, और इस राउटर के अंदर वो PTCL वाले अपना सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जेन्युइन सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा आता है, वो भी आज करके देख लेंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करके कंप्यूटर के साथ तार लगानी है, तार आपने इस पोर्ट के अंदर लगानी है जी। तो ये तार जो है इंटरनेट की आपने इस पोर्ट के अंदर लगा देनी है, ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इंटरनेट की जो वायर है वो लगा देनी है, और इसका जो दूसरा सिरा है इंटरनेट की तार का जो दूसरा सिरा है वो कंप्यूटर के अंदर आपने लगा देना है। और लगाने के बाद इस राउटर को पहले आपने रीसेट कर लेना है। इसके अंदर पहले से ऑलरेडी टेंडा का सॉफ्टवेयर है, तो टेंडे से हम इसको डी लिंक में करेंगे और दोबारा इसको टेंडे में करेंगे और फिर PTCL में करेंगे। तीन सॉफ्टवेयर इसके अंदर हो जाते हैं, तीनों करके देखेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने काम को जी। तो दोस्तों अपने राउटर को मैंने अटैच कर लिया है कंप्यूटर के साथ। मैंने आपको ये जी पढ़ा है मेरे पास सॉफ्टवेयर इसका, और इस जो फ्लैश फर्मवेयर है इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। इसको डाउनलोड किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह पर हम एडमिन लगाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है पहले। इसके अंदर टेंडा का सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास राउटर है उसके अंदर PTCL का सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, जिस तरह भी हो बहरहाल आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर खोल सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है, अपडेट फर्मवेयर में जाएंगे, चूज़ फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ से फाइल वही चेंज करें चूज़ करेंगे जो कि इसको लगानी है, यही वाली ADM 226 DSL। अपडेट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के दौरान आपने ख्याल रखना है कि आपका राउटर बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपका राउटर बंद हो गया तो राउटर आपका डेड हो जाना है। किसी ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करें जहां पर लाइट जाने का ख़तरा ना हो। ठीक है, तो ये जी अपग्रेड हो रहा है इस वक्त, तो दौरान अपग्रेड कुछ भी नहीं करना आपने, ये कुछ भी आपने तार नहीं छेड़नी इसकी, कोई डिस्कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो वरना आपका राउटर जो है वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जी इस तरह से इसका फर्मवेयर जो है वो आपने इसके अंदर अपग्रेड कर लेना है। ये टेंडा का जो है फर्मवेयर, ये PTCL का फर्मवेयर से सीधा डी लिंक के फर्मवेयर में आपका चला जाएगा। फिलहाल मैंने इसका टेंडा का किया हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है, जिस तरह मर्ज़ी जो दिल करे वो आप कर सकते हैं उसके अंदर, इसके अंदर फर्मवेयर हो जाता है PTCL के। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई दूसरे मॉडल के अंदर होता है या नहीं होता, दूसरे मॉडलों के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। कुछ कुछ मॉडल हैं जिनके अंदर हो जाता है लेकिन कुछ के अंदर नहीं होता। एक PTCL का राउटर होता है जो कि टेंडा के अंदर आता है, उसके अंदर टेंडा का फर्मवेयर हो जाता है। ठीक है, ये डी लिंक का राउटर है जेन्युइन, यानी कि पीछे से ब्रांड है वो डी लिंक का, तो डी लिंक का जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर आसानी के साथ हो जाता है। तो जी ये फ़िलहाल 100% पर जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल होता है पहले, तो वेट कर लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इंतज़ार फरमाएं जनाब। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मज़ीद वीडियो देखने के लिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा रह चुका है, अभी यही फ़ाइल है जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली फ़ाइल है, इसको आपने डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, और ये मेरे पास डी लिंक का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, टेंडा का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, D301 का वर्जन है इसका 1.0 का, और ये डी लिंक है। ठीक है,
इसी तरह से जेनवन जो है फर्मवेयर PTCL का वो भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा कि वो किस तरह करना है। ठीक है, तो अभी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये देखें, यहाँ से IP पिक करेगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये देखें IP आ चुका है 1.1 से होगा या 1.1 से ही मेरे ख्याल से खुलेगा। भला जो भी हो, IP यहाँ पर ये साइन कर रहा है फिलहाल, IP उठाएगा, IP उठाकर अभी रीबूट हो रहा है राउटर, तो रीबूट होता है तो इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर 100% मुकम्मल हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जनाब ये है तरीकाकार इसका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने का 2750U के अंदर, D-Link के 2750U के अंदर ये तरीकाकार होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। तो अभी जो है आप डिस्क्रिप्शन से ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके जो है आप इसको चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर IP उठाने में, IP जैसे इसको मिल जाएगी तो ये उसी वक्त इसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।